रेल नंबर 26 सुकुमार। यस। के अंतर्गत कंप्लेंट किस फाइल किया था? विशेष न्यायालय ने भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत खारिज कर दिया गया, जबकि मेरा प्रकरण गांव में लागू होता है सर। 156(3) की एप्लीकेशन कहाँ है आपकी इस पेज पे? का ऑर्डर हो गया था तो मैंने केवल ऑर्डर लगाया। उसका ऑर्डर हो गया है? क्या ऑर्डर हुआ है? 9/5 को उन्होंने खारिज कर दिया सर मेरा ऑफिस। अच्छा, और जिन किस न्याय दृष्टांतों का सर उन्होंने किया है उसमें ललिता कुमारी का स्पष्ट निर्देश है। सबसे ही उनको FIR करना था। जब मैं लोकायुक्त में गया तो उन्होंने बोला रेड हैंडेड कराओ तो इसको हम आपको पढ़िए, इंटरटेन पैरा करेंगे। 14 से पढ़िए, पेज जिस 19 पे आइए, पैरा 14 से पढ़िए, पेज 19 पे। प्रत्यक्ष में आवेदक का यह निवेदन है कि उनके द्वारा आवेदक के विरुद्ध अपराध का अनुसंधान करने की अंतिम प्रतिवेदन अंतिम रिपोर्ट तो आई ही नहीं सर उपायुक्त की। उन्होंने उसके पहले डिसाइड कर दिया है। और जिन न्याय दृष्टांतों पर उल्लेख किया गया है श्रीमान जी, ललिता कुमारी का स्पष्ट ललिता कुमारी वाले में कोर्ट का स्पष्ट निर्देश था कि ये FIR हो जानी चाहिए। पर लोकायुक्त ने बोला कि आप रेड हैंडेड कराओ तो हम आपको इंटरटेन करेंगे, नहीं करेंगे। तब मुझे कंप्लेंट केस करना पड़ा। चाचा राधे का के अंतर्गत उन्होंने निरस्त कर दिया मेरा आवेदन। अन्य धाराओं का निर्णय ही नहीं किया गया क्यों अपराध बनता या नहीं बनता तो अभी कोई FIR दर्ज नहीं हुई है? नहीं हुई सर। आप आपका आवेदन कहाँ है? 156(3) का केवल ऑर्डर के आधार पर रिवीजन में उसको दायर फाइल कर दीजिए, है आपके पास? ये अगर आपके पास है तो यस लेट द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 156(3) CRPC फाइल बाय द पिटिशनर कंप्लेनेंट बिफोर द ट्रायल बी ब्रॉट ऑफ रिकॉर्ड, कब पेश करें? सर नेक्स्ट वीक। मैटर सर ये प्रोडक्ट था।